हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल सही हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ साइंस म्यूजियम दिल्ली में, और इसे नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली भी बोला जाता है। तो साइंस म्यूजियम में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ। साइंस म्यूजियम दिल्ली को 1992 में बनाया गया था, और इस म्यूजियम को बनाने का मेन मोटिव था बच्चों और बड़ों में साइंस को लेकर जागरूकता पैदा करना। इस म्यूजियम में आपको हड़प्पा सभ्यता से लेकर एक इंसान के शरीर में दिल कैसे धड़कता है, ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेशनल साइंस म्यूजियम की लोकेशन है प्रगति मैदान, क्लोज टू गेट नंबर 1, और यहां से आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट का पड़ेगा। और एक और खास बात आपको बता देता हूं, अगर आप नेशनल साइंस म्यूजियम में आ रहे हो तो इसके बिल्कुल पास ही आपको दिल्ली जू और पुराना किला देखने के लिए भी मिल जाएगा। तो चलो अब जल्दी से चलते हैं और एंट्री करते हैं नेशनल साइंस म्यूजियम में। तो भाई अभी मैं आ गया हूँ साइंस म्यूजियम दिल्ली में, और ये दिल्ली जू और पुराना किला उसके बिल्कुल पास ही है। टाइमिंग इसकी है 6 बजे तक शाम के, तो उससे पहले पहले आप घूम सकते हो। जो पार्किंग आपकी लगेगी अगर 4-व्हीलर पे आते हो वो है 70 रुपीज़। उसके अलावा पर पर्सन जो टिकट है अडल्ट की वो भी है 70 रुपीज़, तो आप उसी हिसाब से यहाँ पे आ सकते हो। और टिकट प्राइस ये रहा सामने, और अलग अलग इस पे और चीज़ें भी है। अगर आपने साइंस शो देखना है उसकी 20 रुपीज़ अलग है, अगर अपना 3D शो देखना है 35 रुपीज़, होलो शो की 40, साइंस ऑफ फेयर की 50, और फैंटेसी राइड की 80 रुपीज़। तो ये सारे प्राइस हैं, आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। लो भाई टिकट ले ली है 70 रुपीज़ की है। बाकी अगर इसके हिसाब से अगर आपने और अंदर चीज़ें वो एक्सप्लोर करनी है, शो देखना है, तो उसके लिए भाई अलग अलग प्राइस है, वो आपको अलग ही पे करना पड़ेगा। ये सिर्फ एंट्री टिकट है। ये है एंट्री, ये हमारी एंट्री हो गई है। अब आपको मैं पूरा तरीके से इसका वर्चुअल टूर दूंगा दिल्ली साइंस सेंटर का। ये देखो भाई, आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हो, समझ सकते हो, और यहाँ पे आके भी एक्सप्लोर कर सकते हो और पढ़ भी सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर के क्या क्या दिखाया गया है। आदित्य एल्बन की भी यहाँ पे एक डमी पड़ी है भाई। आगे है वाटर एलेक्सर ऑफ लाइफ, देखते हैं क्या क्या अंदर भाई अलग अलग चीज़ें हैं। ये कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट है भाई, जिसको समझ में आ रहे हैं वो समझते रहना खुद देख के। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लोर करवा देता हूँ दिल्ली साइंस सेंटर। तो बहुत बड़ा है भैया, अगर आप आओगे तो आप पूरा टाइम लेके आ सकते हो। तो ये सारा कुछ यहाँ पे एजुकेशन के पर्पज़ से सारी चीज़ें लगी हैं। आप यहाँ पे गेम्स खेल सकते हो उस तरीके से, यहाँ पे चीज़ों को समझ सकते हो। सामने देखो सेव वाटर को लेके दिखाया गया सारा कुछ, ये साइंटिस्ट बनाए गए हैं। इस तरीके से आप अपना वाटर लेवल चेक कर सकते हो बॉडी का यहाँ पे। तो चलो भाई अभी ऊपर चलते हैं। एलिवेटर है यहाँ पे लेकिन अभी वर्क नहीं कर रही, लेकिन आपके ये चारों तरफ देखो भाई आपको ये देखने को मिलेगा ये क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप इसको आके खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो पूरा, क्योंकि धरोहर इसके अंदर ये सारा एशियंट पुराना जो है स्ट्रक्चर उसके बारे में बताया गया है। टेक्नोलॉजी ऑफ हड़प्पा, अभी हड़प्पा टेक्नोलॉजी अभी आपको मैं दिखाऊंगा। वही पुराने टाइमों के यहाँ पे कपड़े किस तरीके से पहनते थे लोग, कैसे रहते थे, क्या उनका रहन सहन था, और सब कुछ यहाँ पे बोल के बताया जा रहा है। आप खुद भी यहाँ के एक्सपीरियंस कर सकते हो, और भाई फैमिली और बच्चों के साथ यहाँ पे पक्का आना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये देखो ये पूरा उसी टाइम का टाइम दिखाया हुआ है, पुराना टाइम हड़प्पा टाइम, लोग कैसे रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, सब कुछ दिखाया गया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके बच्चों के लिए, स्पेशली उनको दिखाने के लिए अपनी हिस्ट्री। और उसके बाद ये कुछ एक्सपेरिमेंट, 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, सब कुछ है भाई यहाँ पे। आप खुद पूरा ये एरिया ये कुछ ना कुछ दिखाया गया है। ये भी पुराने, ये शायद चूल्हा है, ये तखड़ी है पुरानी समथिंग, ये कुछ आयरन से आयरन निकाला जा रहा है, किस तरीके से बनाया जा रहा है, सब दिखाया गया है यहाँ पे। बहुत बड़ा है भाई ये म्यूजियम, आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो सारी चीज़ों को। ये पुराने जड़ी बूटियों से लोग ऋषि मुनि जो ठीक किया करते थे लोगों को, वो चीज़ें दिखाई हुई हैं भाई। मेडिसन्स कैसे बनती थी पुरानी, ये सब वही दिखाया गया है। ये है जो पहले टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल कैसे बनता था कपड़ा कॉटन का, ये देखो पूरा दिखाया गया है। ये पुराने टाइम की मशीन्स हैं सारी, हाथ से बनाया करते थे, अब तो मशीनें आ गई हैं।
ये बन रहे हैं सिक्के, एंशियंट कॉइन मेकिंग। तो भाई इस तरीके से कॉइन बनाया करते थे, सारा हैंडमेड होता था पहले, कुछ भी कोई मशीन नहीं थी, सब हैंडवर्क। ये देखो, तो बहुत ये चीज़ें हमारी हिस्ट्री हैं। अगर आप बच्चों को लेके आओगे तो ये सब कुछ उनको देखने को मिलेगा, यहाँ पे सीखने को मिलेगा। आओ आगे चलते हैं। ये तोप पड़ी है पुरानी, और ये है हमारी आर्किटेक्चर। आई थिंक ये कुतुब मीनार लग रही है मुझे। आपको मैं वहाँ पे भी लेके जाऊँगा, अभी मेरे चैनल पे आपको सब कुछ दिखेगा, दिल्ली टूरिस्ट प्लेसेस। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो भाई सब कुछ सब्सक्राइब कर लो। ये मंदिर का स्ट्रक्चर है, पुराने सारे जितने भी मंदिर हैं। ये देखो भाई ताजमहल, ये आ गया ताजमहल। सब कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है इसके बारे में। तो अभी हम थोड़ा बढ़ते हैं वुड क्राफ्ट और हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ। तो जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं भाई, वो देखो सारा कुछ, पुरानी शहनाई पड़ी है यहाँ पे, फ्लूट्स पड़ी हैं, सितार पड़े हैं, सारंग पड़ा है, सरंगी पड़ी है, तान, सब कुछ पड़ा है भाई यहाँ पे। संतूर पड़ा है, तुम्बी पड़ी है, तुम्बा पड़ा है, ढोलक, ढोलकी, तबले, सारे पुराने हैंडमेड हैं और सारे, बाय द वे भाई सब कुछ हैंडमेड होता था। सारा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे पड़े हैं, पंजाब के पड़े हैं, राजस्थान के पड़े हैं, और हमारे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में तो म्यूज़िक बहुत ज़्यादा ही है, आप देख सकते हो। तो उस हिसाब से ये पुराने पित्तल के सारे बर्तन पड़े हैं, ये भी पित्तल के बर्तन हैं। देखो भाई अभी आप जाएंगे, ह्यूमन लाइफ कैसे डिवेलप हुई, क्या क्या था ह्यूमन लाइफ, सब कुछ दिखाया गया है यहाँ पे। सारे आपको बॉडी पार्ट्स की जानकारी मिलेगी यहाँ पे। आओ भाई, फिर रेप्टाइल्स की ओरिजिन दिखाई गई है, और ये दिखाया गया सबसे मेन चीज़ जो भाई जन्म है, जिस पे सारी दुनिया टिकी हुई है, यही है कैसा बॉम्बे बेबी आता है, किस तरीके से प्रोडक्शन होती है ह्यूमन लाइफ की। सो सब कुछ है, आप खुद यहाँ पे देख सकते हो एक बर्थ कैसे होता है, कितने दिन लगते हैं, आप सब कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ये है DNA, दिस इज़ द DNA, द ब्लू प्रिंट ऑफ लाइफ। इससे आपके पूरे करेक्टर्स जो भी है, आप कैसे बिहेव करते हो, आपके जीन, सब कुछ पता लगता है। कोपिंग ऑफ लाइफ, बहुत कुछ है भाई। अगर आप यहाँ आना चाहो, ये देखो स्ट्रक्चर पड़ा है यहाँ पे पूरा, ये देखो ये है स्केलेटन, बैठ सकते हो कुर्सी पे। ये होता है हमारे शरीर के अंदर एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, पीरियोडिक टेबल है भाई, जो आपने पढ़ा होगा। अगर साइंस म्यूजियम आ रहे हो तो इनके साथ फ़ोटो पक्का करवाना, नहीं तो ये गुस्सा कर जाते हैं। तो यहाँ आ सकते हो, फ़ोटो करवा सकते हो, हम भी खिंचवा लेते हैं। तो भाई यहाँ पे आप अपनी ग्रिप को ट्राई कर सकते हो, कितने आप स्टेबल हो इस तरीके से, देखो। तो भाई बच्चों को तो पक्का लेके आना यहाँ पे, आपको बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन और बहुत नॉलेज मिलने वाली है, स्पेशली बच्चों के लिए, बड़ों के लिए तो है ही है। जिनको साइंस में इंटरेस्ट है, जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, सब कुछ है यहाँ पे। भाई अगर साइंस म्यूज़ियम में आओगे ना, तो इससे बच के रहना, ठीक है, नहीं तो चोट लग सकती है आपको। ये देखो वो मार रहा है यार, बॉक्सिंग वाले भैया के साथ आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है, चेक कर सकते हो यहाँ आके। तो साइंस के रिलेटेड काफ़ी कुछ है यहाँ पे, हार्ट दिखाया गया पीछे, अपनी बोन्स के बारे में। और ये देखो भैया, टेस्ट योर स्टेमिना हेयर, यहाँ पे आप अपना लटक के या कुछ करके स्टेमिना टेस्ट कर सकते हो। तो अभी साइकिल चलाते हैं, आ जाओ भाई साइकिल चलाते हैं। सबसे पहले द बॉडी फ्रेमवर्क, कैसे जब आप साइकिल चलाते हो तो आपकी जो हड्डियाँ किस तरीके से वर्क करती हैं, वो यहाँ पे दिखाया गया है। चलते हैं, वेयर डज द साउंड कम फ्रॉम, इसमें दिखाया गया है। आओ कुछ देखते हैं क्या है इसके अंदर, पूरा रूम बनाया हुआ भाई किस तरीके से। यहाँ पे आपको स्कोर मिलेगा, आपको इधर आओ, ये दिखाता हूँ मैं। स्टार्ट कर सकते हो गेम को, गेम की तरह खेल सकते हो, है ना। आपको पता करना कि साउंड कहाँ से आ रही है, अगर राइट से आ रही है आपको राइट दबाना है, लेफ्ट से आ रही है लेफ्ट दबाना है। तो इस तरीके से आपको खुद ही ये बताना है, पता लगाना कि साउंड आ कहाँ से रही है, लेफ्ट से, राइट से, ऊपर से, नीचे, जहाँ से भी आ रही है। तो उस तरीके से आप यहाँ पे छोटी सी गेम खेल सकते हो, बच्चों के लिए बहुत सही है। ऐसे बहुत कुछ आपको मिलेगा, ये देखो भाई, ये कुछ हमारे साइंटिस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे आके। तो चलो भाई अभी चलते हैं प्री हिस्टोरिक लाइफ गैलरी में, आओ जी। वो भाई यहाँ तो भाई अलग ही ऑरा क्रिएट किया हुआ है इन्होंने भाई, सीरियसली भाई, आपको लगेगा आप कहाँ आ गए, डायनासोर वगैरह सब कुछ है इधर तो।
बहुत सही है भाई। यहाँ पे देखो ये रहा डायनासोर पूरा, आज से कितने साल पुराने ये चीज़ें हैं जो दिखाई गई हैं। ये देखो डायनासोर के बारे में सब कुछ, स्पीशीज़ के बारे में प्रॉपरली मेंशन किया गया है और इंफॉर्मेशन दी गई है। बहुत बड़ा है भाई ये, तो सब कुछ आप यहाँ आके खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। आओ भाई अब चलते हैं फन साइंस, साइंस के मज़े लेते हैं। जो इधर आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें देखने को मिलेगी, इन्फिनिटी वेल, इसके अंदर आप देखोगे जाके तो बहुत ही बड़ा कुआं दिखेगा आपको। देखो भाई अब प्रीशियस गिफ्ट, ये है भाई साइकिल, पैनी फादिंग साइकिल, आगे का भी इतना बड़ा और पीछे का छोटा का, और वो रही सीट। ये देखो साइकिल पुराना, ये है कैटनरी ब्रिज। वेयर डू यू फील कम्फर्ट, बैठ के देखना पड़ेगा अब तो। यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है। नहीं यार यहाँ किन्नों पे कौन बैठेगा भाई। तो भाई कंफर्ट तो आपको यहाँ पे दिखाया जो जा रहा है वो उसी पे ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा, वो है किलों के ऊपर, और वहाँ पे आपको अनकंफर्टेबल लगेगा। ये देखो भाई ये है प्रोटेक्टिव गियर्स, ये देखो भाई कितना टाइम लगेगा ये अंदर जाने में नॉर्मली अगर आप करोगे। ये अगर हम इसके अंदर फिट कर देंगे ना तो जीनियस हैं हम। कोई मैंने सारा ये कर दिया अभी, तो आप ही आके अपना दिमाग लगा सकते हो। ये देखो भाई बॉल उड़ रही है, ये देखो हवा का कमाल है, ये हवा का कमाल। अभी मैं इसको पकड़ता हूँ, ये देखो भाई, ओए ये देखो भाई, ओ गई भाई, गिरेगी नहीं ये। ये देखो सही है ना। तो भाई ऐसे यहाँ पे फन एक्टिविटीज़ हैं साइंस को लेके जितनी भी हैं इस एरिया में, तो इस एरिया को तो आप पक्का इन्जॉय करोगे आके। अगर आप साइंस म्यूजियम में आते हो तो यहाँ पक्का आना इस वाले एरिया में, यहाँ पे साइंस फन है, पूरा फन एक्टिविटीज़ है साइंस को लेके पूरी। तो ये पूरा जो एरिया है चारों तरफ आप यहाँ पे इन्जॉय कर सकते हो। तो भाई अभी एक अच्छी सी चीज़ दिखाता हूँ, आप खुद चेक करो। इसको बोलते हैं कौन रनस अप हील, यहाँ पे जो ये कौन है ऊपर जाएगा, हालांकि ये अभी ये इस नीचे को है अभी देखना अभी आप, लेकिन जाएगा ये ऊपर। ये सब कुछ इसके स्ट्रक्चर की वजह से हो रहा है और कुछ नहीं है। वो देखो भाई यहाँ पे आप इस तरीके से अपने वेट को लिफ्ट कर सकते हो, लिफ्ट योर सेल्फ। देखो आपके सामने है ये, तो यहाँ बैठो और अगर आप अपने वेट को लिफ्ट कर सकते हो तो भाई सही है। सारा ये एरिया है ना पूरा, ये सारा फन एरिया है पूरा, आप मज़े ले सकते हो भाई इस तरीके से जैसे कर रहे हैं। अगर आपको इस तरीके से चल के दिखाना अपना कैरियर इसमें बनाना है तो ये चीज़ें भी कर सकते हो आप। तो फोकस्ड साउंड है यहाँ पे, गिटार आ गया आगे सामने, गिटार कैसे वर्क करता है ठीक है। ये कूलर स्टॉप द फैन, लो जी कूलर चल गया। ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी भाई मुझे, यहाँ पे आप मिरर मेज में अंदर जा सकते हो और अपना सिर फड़वा सकते हो ध्यान से। तो आपको ध्यान से जाना पड़ेगा यहाँ पे पूरा ये, नहीं तो आप बहुत ज़ोर से बजोगे अंदर सच में भाई। बड़ी ध्यान से। तो भाई मैं फंस गया अंदर भाई, इधर को आ जाओ ये रहा भाई। इसके अंदर अगर आप जाओगे तो ध्यान से जाना, फंस जाओगे अंदर भाई। अभी इसके अंदर जाएंगे और देखना। लास्ट में अभी आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ जो मुझे सच में बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगी, वो है ये जो इनकी ये स्टैचू यहाँ पे बनाई गई है वल्लभ भाई जी की। और देखो भाई कितना रियलिस्टिक ये स्टैचू है। मुझे पहले तो लगा कि सच में ही यहाँ पे कोई इंसान बैठा हुआ है। खुद देखो भाई आप, क्योंकि साइंस के रिलेटेड यहाँ पे टॉयज़ आपको देखने को मिल जाएंगे अपने बच्चों के लिए, तो यहाँ से ये चीज़ बाय कर सकते हो। तो भाई ये थी मेरी आज की वीडियो दिल्ली साइंस सेंटर के ऊपर, तो होप करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। जितना हो सका मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करवाया, कुछ मैंने आपके लिए भी छोड़ दिया, कुछ खुद भी आके आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सबको बाय बाय। हाँ वीडियो को कमेंट और लाइक करके भाई पक्का जाना।